आगरा के सुभाष मार्केट के व्यापारियों ने शुक्रवार को बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों ने बताया कि गुरुवार की रात को लोहे की ग्रिल बसम्मा रखने को लेकर तिकबड़ के नाम पर सीओ छत्ता उनके साथ नोकझोंक हो गई, जिससे उन्होंने हमारा सारा सामान जो था वो कब्जे में ले लिया। वहीं हमारे व्यापारी भाइयों के साथ अभद्र भी व्यवहार किया, जिसका रोष व्यक्त करते हुए सुभाष मार्केट को हमने आज बंद किया है, क्योंकि ग्रिल बसम्मा रखना कोई अतिक्रमण में नहीं आता है। अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न करना गलत है, जिसका हम विरोध करते हैं। सर, आज पूरा कपड़ा मार्केट बंद रखा गया, क्या रीजन क्या रहा कि दुकानें सब बंद? ऐसा है, पूरा कपड़ा मार्केट नहीं है, ये जो सुभाष बाजार का एरिया ये बंद है। थोड़ा सा कल सीओ मंटोला के साथ व्यापारियों की थोड़ा सा अड़चनी हो गई। सीओ भी हमारी थोड़ी मतलब हार्ड है। अब व्यापारी व्यापार कर रहा है, उसके बाद ग्राहक से बात कर रहा है, कुछ माल बाहर होगा, कुछ अंदर होगा, कुछ हो सकता है उसकी दुकान के नीचे रखा होगा। तो क्या होता है कि भाई व्यापार में थोड़ी नॉर्मलसी बरती जाती है, थोड़ा सा देखा भी जाता है, तो उसको लेके व्यापारियों में रोष हो गया, तड़का भड़की हो गई अधिकारियों के साथ में। तो उसमें व्यापारियों से समन्वय बनाया जा रहा है। कुछ व्यापारी भी बेचारे हर तरह सहमत है, पुलिस को पूरा सपोर्ट करते हैं। मार्केट बंद करने का क्या उद्देश्य है? मार्केट बंद करने का उनको ये है, हमारे दो चार व्यापारियों के साथ जो कैन सुनन हो गई है, गलत बयानबाजी हो गई है, उस सब में वो रोष प्रकट करना चाहते हैं। रोष प्रकट करके अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि साहब हमारी बात सुनी जाए, हमें न्याय मिले। ये कह रही है कि अतिक्रमण कर रखा है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, अतिक्रमण नहीं है। नाली के ऊपर जो ग्रिल लगी हुई है वो ग्रिल अतिक्रमण नहीं है। नाली के ऊपर नाली को इस तरह रखा गया है कि रात को वो ग्रिल बंद कर जाते हैं और सुबह वो नालियां साफ़ हो जाती हैं। ये शासन के द्वारा स्वीकृत है, जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत है, नगर निगम आयुक्त के द्वारा स्वीकृत है, इसीलिए वो ग्रिलें लगी हुई हैं। हो सकता है एक आध व्यापारी का ग्रिल के ऊपर माल रखा हुआ, किसी का चदरा बिछा हुआ, किसी का गद्दा बिछा हुआ, अब ग्रिल लोहे की है, अब कोई व्यापारी आया वो ग्रिल पर बैठने में असमर्थ है, उन्हें गद्दा बिछा दिया, तो अब उसमें प्रशासन को ये लगा कि इन्होंने इसका अतिक्रमण कर लिया। लेकिन हमारे किसी व्यापारी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, व्यापारी हमेशा सहयोग करता है। पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था? पूरा मामला ये है, कल सीओ महोदय अपने पूरे स्टाफ के साथ आई और कुछ व्यापारियों का माल जो कि ग्रिल पर रखा हुआ था वो उठा के ले गए, जो कि गलत था। हमारा कहना ये है, हम जो ग्रिल हमारे पे दिए है उस ग्रिल को हम केवल माल रखने के लिए थोड़ा सा यूज़ करते हैं। बहस इस बात की है कि आप ग्रिल पे माल नहीं रखोगे। बहुत से दुकानदारों का काउंटर है, जैसे दुकान ग्राहक आता है दुकान के अंदर जाके माल लेता है, केवल ग्रिल पे माल रखने के ऊपर ही है। यदि हमें ग्रिल तक परमिशन दी जाए, जिससे कि कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, भाई यदि हम सड़क पे माल रखते हैं, ज़मीन पे रखते हैं, हमारा माल तुरंत जब्त किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। हमें सर, आज सुभाष मार्केट में जो कपड़े के दुकानदार दुकानें बंद कर दी है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि जो भी सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करके कुछ निर्माण हुआ या कोई चीज़ रखी है उसको हटवाया जाए। उसी के क्रम में लगभग 2 महीने से ये अभियान चल रहा है कि जो हमारी सड़कें हैं, नाली हैं, उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। आज सुभाष बाजार जो है उसके जो ग्रिल लगी हुई नालियों के ऊपर, उसके द्वारा इन लोगों के द्वारा या तो काउंटर रख लिया जा रहा है या सामान रख लिया जा रहा है, उसी को हटवाया गया है और इनको निर्देश भी दिए गए हैं कि दोबारा इस पर सामान न रखा।